समय निकाल करके यहाँ पर पदार्पण किए हैं। बंधुगणे धन्य के पात्र आप सब है और आप सभी के लिए आज आप सभी के मध्य में आज हमारे समक्ष फिजी के दो मशहूर जाने माने कलाकार है और जिनको कोई परिचय का जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक तो सबू से आए हुए गुरु जी मास्टर श्रीदयाल शर्मा जी है, मैं उनका और चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत करता हूँ हृदय की गहराइयों से कि मास्टर जी इतने दूर का सफर तय करते हुए। वैसे तो मुझे बताया गया कि मास्टर जी को कल सब लौटना था, लेकिन परिवार जबकि परिवार में और परिवार की पुकार आई तो अपने परिवार को पुकार को सुनते हुए और वे आज यहाँ पर आप सभी के समक्ष अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं। और साथ साथ में हमारे सिंगातुका के ही जो हकवा डांडो है भैया उमेश शर्मा जी, वे भी और इसी प्रकार से और आप सभी के समक्ष जो नवे रात्रि की बैठक है अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। बंधुगण आप सभी से निवेदन है कि जब भजन हो दोनों भजनिक अपनी कला को प्रस्तुत करें, आप कृपा करके शांत चित होकर के भजन को रसपान करें और नमुना इत्यादि का सेवन लेते रहे और कृपा करके अगर बात करना है तो धीमी गति में बात करें। और दोनों भजनिक से निवेदन है कि जो भी भजन आप प्रस्तुत करेंगे, जो ज्ञान की बातें आप यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, हमारे जो श्रोतागण है उसका जरूर भरपूर आनंद उठाएंगे। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और दोनों कलाकारों का विशेष रूप से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ब्रिज प्रोडक्शन सबका का स्वागत करना चाहेंगे और चले श्रीदयाल और रमेश के भी भजन है और राधावती जी का जो लोग बेटे के हैं। दल और सत्यमेश जी का ये मुकाबला है और बहुत अच्छी बात है कि आज नो बेटक में हमारे साथ हैं पर हैं जितने लोग हमारे साथ हैं आप इंजॉय करते हैं बहुत लाजवाब भजन। मंत्र मूले कवाक्या मोक्ष मूले गुरु कृपा
Oh, my God.
इधर बहुत कच्चा, इधर आ जा, बहुत जंग आया, जल्दी आओ, इधर आ जाओ। सब पर दृष्टि रहती तुम्हारी,
रोग दोष सब नाश निहारी केही विधि स्तुति करूं तुम्हारी क्षमा करो प्रभु भूले हमारी कहे दासे तुम्हें अंतर्यामी नाथे अनाथे सभी के स्वामी दाता नाथ अनाथ सभी के स्वामी ये जी पार ब्रह्म है भगवान।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jai Tu Sada Bani.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm not cool.
Thank you.
Bye.
Thank you.
केले लगाए पेरू बजा दो
Let it.
Thank you.
Yeah.
यहाँ उपस्थित थे आदरणीय जन समुदाय तथा कुल परिवार के सदस्यगण, आज जबकि नवे रात्रि की बैठक थी, कल सुबह दस गात्र क्रिया संपन्न होगा, तो बड़े सुंदर भाव से उस जीव आत्मा के प्रति, स्वर्गीय माता जी के दिवंगत आत्मा के प्रति आज जो भजन यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, जीवन अमृत जीव और मोक्ष के प्राप्ति, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी पुण्य यहाँ पर आज संचित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, दोनों कलाकारों के द्वारा जो ज्ञान का आदान प्रदान किया गया है, हम सभी के समक्ष हम लोगों को बांटा गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है और साथ साथ में जगत गुरु जगत पिता भगवान कृष्ण जी के चरणों में बार बार यही वंदना करूंगा कि हे भगवान, जो भी ज्ञान दी, जो भी ज्ञान का फल यहाँ पर आज उत्पन्न किया गया है और दिया गया है, उस पुण्य आत्मा तक जरूर पहुंचे ताकि उनको सद्गति मिले, मोक्ष मिले एवं शांति की प्राप्ति हो एवं उत्तम लोक की प्राप्ति हो।
तो ग्रह दाता जो है श्रीमान मनीषा जी, मनीषा जी रजनेश कुमार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके कुटुंब परिवार, उनके समस्त परिवार वालों की ओर से, विष्णु मित्रों की ओर से, सभी दोनों कलाकारों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और आज जो कला प्रस्तुत किया है, देखा जाए तो वास्तविक में किस तरह से अगर भजन हो तो सुनने में आनंद आता है, जहाँ पर कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं होता है, और देखते देखते आधी रात निखंड हो गई, पता ही नहीं चला कि क्या है और कहाँ बैठे हैं और क्या। तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि माता सरस्वती से विनती करेंगे कि दोनों कलाकारों के कंठ पे वास करें, जिह्वा पे वास करें, और दिन दुगनी रात चौगुनी आप दोनों भैया मास्टर जी है, भैया उमेश जी है हमारे, और इन दोनों कलाकारों की दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती होते रहे, और ऐसे ही सुमधुर वाणी से आप भविष्य में भी अपनी कला को प्रसिद्ध रखते रहें। और जबकि आप जानते हैं कि शुक्रवार की रात्रि को अंतिम बैठक है, शनिवार की सुबह 13 से 11 सेकंडरी स्टार्ट किया जाएगा, तो जो 12वें रात्रि की बैठक है उसमें जो हमारे कलाकार रहेंगे, हमारे मध्य में भैया अरुण जी हैं और साथ साथ में नागुआ के नितेश प्रसाद जो भैया जी के नाम से जाने जाते हैं, ये दो कलाकार अपनी जो कला है उन दोनों शुक्रवार की रात्रि को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आप सब आइएगा, जैसे अभी तक आप लोगों ने उस परिवार को, शोकाकुल परिवार को श्रद्धांजलि अर्पण किया है, अंतिम क्रिया तक शांति पाठ तक आप लोग अपना श्रद्धांजलि अर्पण करते रहिएगा, और भगवान करे आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती होती रहे। अंत में गृह दाता की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।